निजी संस्थाओं की मदद से अब दिव्यांग भी चल फिर सकेंगे सामान्य लोगों की तरह। पूर्णिया में सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने आज अपना कृत्रिम अंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर देवी राम ने कहा कि 200 कृत्रिम अंग तैयार किए जा रहे हैं, जो दिव्यांगजन है वो भी सामान्य लोग की तरह चल फिर सके, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। इस आयोजन में पुणे लायंस क्लब बतौर सहयोगी संस्था ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आवाज 24 के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। श्री अरविंद ठाकुर जी हमारे भी सेशन के रूप में आए हैं। सूरज राम गुलाब देवी के सभी सक्रिय सदस्य, लायंस क्लब पूर्णिया के सभी सक्रिय सदस्य और पूर्णिया के नागरिक, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नागरिक और सबसे ऊपर वो दिव्यांग भाई बहन जो इस कार्यक्रम में फायदा उठाने के लिए आए, हम उनका आभार। आपने अभी पूछा कि इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, नहीं। आज के कार्यक्रम में समस्तीपुर से एक दिव्यांग भाई आए हैं इस सेवा को लेने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी 1000 पर जीने के लिए नहीं आया है, इसलिए जो भी हम दूसरों के लिए कर सके वही रियल वन। हमारी संस्था लायंस क्लब और सूरज राम गुलाब देवी हमेशा इस कार्यों में बहुत सक्रिय है और मैं कुछ अनाउंसमेंट भी अभी करूंगा अपने उद्बोधन के समय, मैं आपका सहयोग उसमें चाहूंगा और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितने लोगों को आज ये कृत्रिम अंग लगाया? मेरे नॉलेज में अभी तक 75 या 80 लोगों का टेलीफोन के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन और भी अगर 75 आएंगे तो हमारे पास पूरी सुविधा 200 लोगों के लिए आज है। और अगर हमें मालूम हुआ कि और भी जरूरत है तो अगले दो दिव्यांग भाइयों के लिए यह जो निःशुल्क विज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ शिविर लगाया गया है, ये बहुत बड़ा समाज के लिए पूरी काम है और मेरा इस मौके पर मुख्य अतिथि होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने डॉक्टर डी राम को, अपने छोटे भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस काम के लिए यहाँ बुलाया उद्घाटन के लिए। और यह कार्यक्रम जो हो रहा है ये बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान है, दिव्यांग भाइयों के लिए योगदान है, नया नए जीवन और स्फूर्ति पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ लायंस को धन्यवाद देता हूँ कि दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस तरह वृक्षारोपण शिविर है। ये संदेह मानव कल्याण के लिए उठाया गया एक विशाल कदम है। इससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा मिलती है और सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट इस तरह का आयोजन समय समय पर करते रहे हैं। हमें भी कई बार इनके साथ जुड़ने का मौका मिला है। इनके साथ जुड़कर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे भी हम मिलकर समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहे। आज क्या कार्यक्रम है? आज कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर है। इसके लगभग 70 से 80 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भी वो प्रक्रिया जारी है। मैं समझता हूँ अगर सब ठीक रहा तो करीब करीब हमारे 100 भाई बहनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए जाएंगे। जी, ये सिर्फ पूर्णिया जिला के या कहीं कहीं से कहीं से भी आ सकते हैं, इसके स्थान की कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी कोई हमारे दिव्यांग भाई बहन है, हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि उनको सूचित करें। जगह जगह बैनर लगाते हैं, जगह जगह आते भेजते हैं, जगह जगह के जो शहर के कुछ गांव के उस कस्बे के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके मार्फत खबर भिजवाते हैं कि फलना फलना दिन अमुक अमुक दिन इस तरह का कार्यक्रम है, आप आकर इनका लाभ ले। परिचय सर, मैं संजय संचेती, प्रेसिडेंट लायंस क्लब पूर्ण।